हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज है तिल संक्रांत और आज हो गया 15 तारीख। वैसे तिल संक्रांत तो कल के ही दिन मनाया जाता है, 14 तारीख को, बट हमारे घर में पूजा चढ़ता है और यहाँ पे सभी लोग आज के दिन ही मना रहे हैं तिल संक्रांत, इसलिए आज के दिन हम लोग भी तिल संक्रांत मना रहे हैं। तो आप लोग को गाइस बताए थे कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को टूर वाला आएगा, बट वो वाला ब्लॉग आज हम नहीं दिए क्योंकि आज तिल संक्रांत था। सोचे आज का ब्लॉग आप लोग को दे दिया जाए और टूर वाला ब्लॉग नेक्स्ट दिन दे देंगे आप लोग को। तो फिलहाल चलते हैं गाइस नहाने के लिए, क्योंकि तिल संक्रांत में सबसे पहले नहाना होता है। नहा के उसके बाद और भी चीज़ किया जाता है, नहा के दाल चावल और केलाई की दाल छुआ जाता है और उसके बाद फिर पूजा होता है हम लोग घर में, फिर इसके बाद दही चूड़ा खाया जाता है। और वैसे आज का मौसम देखिए मस्त दम किया है, बट धूप नहीं खिला है, लेकिन शायद और देर तक ले धूप उप खिल जाएगा। वैसे चलते हैं पहले नीचे। फिलहाल यहाँ पे हम थाली से ढक करके बाल्टी में गर्म पानी रखा हुआ है नहाने के लिए, इसमें हो गया और वो तसली में भी है। और ये देखिए नहा करके हम लोग इसी का बात बोल रहे थे, छूने के लिए केलाई दाल और चावल, अरवा चावल इसी को मिलाया जाता है, तीन को, हम भैया और मम्मी। तो गाइस अभी फिलहाल जा रहे हैं हम आम का पल्लू लाने के लिए और लकड़ी, पूजा में जरूरी होता है ना हवन के लिए, तो आते हैं फिलहाल लकड़ी लेकर के फिर चलेंगे नहाने के लिए। तो चलिए आम के बगीचा में तो आ गए हैं, तो फटाफट आम का पल्लू तोड़ते हैं और लकड़ी लेकर के चलते हैं। तो फाइनली गाइस आम का लकड़ी और आम का पल्लू भी तोड़ लिए हैं, इधर देखिए। तो गाइस अब निकलते हैं घर। तो चलिए घर तो पहुँच गए, फिलहाल इस सबको यहीं पर रख देते हैं, यहीं पर पूजा होगा, अब चलते हैं हम नहाने। तो फाइनली गाइस नहा धो के रेडी हो गए हैं और पूजा भी कंप्लीट हो गया है हमारा घर का। तो देखिए यही घर में हमारा पूजा चढ़ता है इस जगह बाबा लोग का, जो कि पूजा वूजा कंप्लीट हो गया है और हवन भी हो गया है और हम दाल चावल भी मिला लिए, इधर देखिए। हाँ, ये मेरा, ये भैया का, ये मम्मी का, तीनों को मिला लिए हम लोग अपने अपने अकेले अकेले। तो गाइस अभी फिलहाल छत पर आए हुए हैं और यहाँ पर धूप एकदम खिल गया है और यहाँ पर बैठ कर फिलहाल खाते हैं लड़ुआ, तिल वाला, मुड़ी वाला और चूड़ा वाला। तो फटाफट खाते हैं और दही चूड़ा बाद में खाया जाएगा दोपहर टाइम में। ये देखिए पतंग उड़ना शुरू हो गया, वैसे हम तो नहीं उड़ा रहे हैं, कोई और। अब चलते हैं खाना खाने के लिए, सब्जी बन गया, सिर्फ वेट कर रहे थे हम सब्जी बनने का, क्योंकि दही चूड़ा मीठा मीठा हो जाएगा ना, तो खाने में नहीं बनता है मीठा मीठा, थोड़ा तीखा रहता है तो खाने में बनता है, इसीलिए। तो सब्जी बन गया, अब चलते हैं हम लोग फटाफट खाने के लिए, छत पर बैठ कर खाएंगे, वहाँ पर धूप भी है। चलिए मम्मी दही चूड़ा निकाल दिए, तो फटाफट अब खाते हैं, धूप भी है यहाँ पे। तो गाइज अभी फिलहाल हम ही अकेले खा रहे हैं, मम्मी और भैया ऑलरेडी पहले खा लिए हैं, क्योंकि हम मार्केट चले गए थे, कुछ हमको काम था तो इसलिए हम लेट हो गया है, तो फटाफट खाते हैं। तो चलिए खाना तो हो गया है, अब आते हैं फील्ड तरफ से घूम करके, देखते हैं पतंग कितना ज़्यादा उड़ता है। वैसे यहाँ पर आसपास में तो बस एक ही पतंग उड़ रहा है, दो को दिखा, ये देखिए ये पहला और एक उधर उड़ रहा है और इधर कोई नहीं, जहाँ तक कि हम खुद ही नहीं उड़ा रहे थे, दूसरे को क्या बोलेंगे। लेकिन आते हैं फील्ड तरफ से घूर के, उधर बच्चा सब जरूर उड़ा रहा है, वहीं पर चल करके हम भी पतंग उड़ा लेंगे। तो चलिए फील्ड तो पहुँच गए हैं और देखिए आकाश में पतंग भी नहीं दिख रहा है, शायद कहीं एगो दो गो दिख रहा है, बच्चा सब यहाँ पर उड़ा रहा है। वैसे हम लोग इधर ना उतना ज़्यादा पतंग उतंग कोई मतलब नहीं उड़ाता है, जो हो गया थोड़ा बहुत बच्चा उच्चा सब उड़ाएगा, और यहाँ पर उतना नहीं उड़ाता जैसे बाहर में देखते हैं पूरा उड़ाता है लोग, तो फिलहाल हम उड़ाते हैं। वैसे ये पतंग मेरा नहीं है, यहाँ पे बच्चा सब उड़ा रहा था, उसी से हम मांग लिए कि दो थोड़ा बहुत हम भी उड़ा लेते हैं। और आज इतना ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा है ना, सिर्फ ढील देते हैं मतलब पूरा स्पीड जाने लगता है, लेकिन समेटने में देखिए देखिए समेट नहीं पा रहे, बहुत तेज़ हवा चल रहा है, समेटने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पता नहीं बहुत दूर ढील दिया, देखिए दिखा रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना। वैसे कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो और भी बढ़िया से दिखता। नहीं दीजिए इसको, हाँ तोड़ दी, उस तरह करिए और टांग, तो चलिए इससे पतंग तो फिलहाल हम ले लिए हैं, क्योंकि ऐसे करके टांग रहा था ना, और जिसका पतंग है वो बोल रहा था कि ऐसे करने से टूट जाएगा, वैसे मतलब नहीं होता, झटका मारने से धागा टूट ही जाएगा, वैसे बच्चा है ना वो भी, तो इसीलिए उसको डर है। वैसे आज के बाद क्या ही उड़ाएगा, लेकिन उसका चीज़ अपना रहता है तो दिक्कत नहीं होता है ना, नहीं कहता है दूसरे का चीज़ दूसरा को होता है, उसी के हिसाब से चलो। और एक नज़र आप लोग इस पतंग की तरफ भी देख लीजिए, इस पतंग को क्या ही बोला जाए, ये देखिए कितना बड़ा इसका पूछट्टी दिया है,
बाप रे, एक मंजिल तक ले इसका पुचट्टी लग रहा है, इतना लंबा पुचट्टी ये देखिए, और पतंग कितना छोटा सा है। वाह वाह रे दिमाग, तुम ट्रेंड में बिड़ी हो। और यहाँ पर तीन तीन को पतंग है, पहला ये पहला तो दिखाया बड़ा वाला, और दूसरा और इसके ऊपर और एक पतंग, इसका पुचट्टी छोटा है लेकिन उसका बहुत बड़ा पुचट्टी था। ये तीनों आपस में खेल रहा है, लड़ाने वाला है, दिखे ना, एक दो तीन, सबसे ऊपर वो, उसके बीच में और उसके नीचे ये। शायद इसका पुचट्टी बड़ा है इसलिए ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, देखिए ना, बहुत ज़्यादा हवा इसको कैप्चर कर रहा होगा इसलिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, देखिए कितना बड़ा पुचट्टी है, बाप रे। यही तो है। चलिए पतंग तो कट गया। तो इस पतंग उड़ाने के बाद हम जा रहे थे रास्ता, तो यहाँ पर हमको एक कौआ दिखा जो कि धागे में फंसा हुआ है। तो फिलहाल एक भैया आ रहे थे, उनको हम कैमरा दे दिए हैं, अब चलते हैं, वो कौआ को भगाते हैं। निकाल ना रे। हाँ गाइस, हम लोग इसमें पास है। छोड़ दो जान तो बचन ना। चलो ठीक है, कैसे लग रहे हैं मत। तो चलिए गाइस, हम लोग कौवा को तो बचा दिए, वो सुत्ता में फंस गया था, गुड्डी उड़ाने वाला सुत्ता में। हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे ना, तो हमको दिखा कौवा उड़ क्यों रहा है, फड़फड़ा क्यों रहा है, तो ध्यान दिए कि वो रस्सी में फंसा हुआ है। तो ये है नीलू भैया, इनको बुलाए, ये कैमरा पकड़ लिए, और ये है क्या नाम है, प्रेम। हाँ प्रेम, इसके सहयोग से, और हम और एक शिवम था उसके सहयोग से, हम उन कौवा को तो बचा दिया, अब वो सेफली है, अब अंदर चला गया है। तो अब हम लोग चलते हैं घर, बाय। तो फाइनली गाइस घर तो आ गए हैं, और ठंडा बढ़ा दिया है, हवा चल रहा है ना, तो और ज़्यादा ठंडा लगने लगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम में ऐसा नहीं था, हवा नहीं चल रहा था जिसके कारण ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी हवा चलने लगा तो ठंडा लगने लगा। तो हम टोपी और जो स्वेटर तो डाले थे, और मोजा वोजा भी पहन लिए हैं। और एक बात गाइस कि हम मुंगेर जो घूमने के लिए गए उसका ब्लॉग अभी बचा हुआ है, वो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट में, जय हिंद।